रजा अहमद साहब ने, कमरुद्दीन अंसारी साहब ने, ये इतना बावकार ऑल इंडिया मुशायरे का इनेकाद किया है। मोहतरमुल मकाम हाजी असलम शेख साहब की सरपरस्ती में, मोहतरमुल मकाम डॉक्टर फखरुल हसन रिजवी साहब की सदारत में यह मुशायरा बड़े ही कामयाबी की जानिब रवा दवा है और इसमें मजीद चार चांद लगा दिया है मोहतरमा महक केरवानी साहबा के कलाम ने। इनके लिए हम उनके मशकूर ममनून हैं। मैं हाजी शेख साहब से गुजारिश करता हूं और साजिद पटेल साहब से गुजारिश करता हूं कि बराए करम आप लोग मंच पर तशरीफ ले आए। दोस्तों, आप लोगों का मैं थोड़ा सा वक्त लेता हूं कि मैं आप लोगों के इस प्रोग्राम के आगाज में मैंने आप लोगों को बता दिया था कि आपकी पुकार की जानिब से कुछ चुनिंदा हजरात को, कुछ चुनिंदा खवातीन को एवार्ड से सरफराज किया जाएगा जिन्होंने अदबी खिदमत की है, सियासी खिदमत की है, सकाफती खिदमत की है, इल्मी खिदमत की है। इनकी खिदमत आलिया में आपकी पुकार की जानिब से एक मेमेंटो और शाल पेश किया जा रहा है। मैं सबसे पहले गुजारिश करता हूं कार्य सम्राट मिले मोहतरम हाजी असलम शेख साहब से के बराए करम वो आपकी पुकार का जो सालनामा निकलता है, जो एनुअल सुवेनियर निकलता है, मैगजीन निकलता है, उसका रस्म इजरा आपके दस्ते मुबारक से होना चाहता है मोहतरमुल मकाम हाजी असलम शेख साहब। मोहतरमुल मकाम कैसर खालिद साहब से गुजारिश करता हूं कि आप भी आ जाए। मोहतरमुल मकाम डॉक्टर माजिद देवबंदी साहब से गुजारिश करता हूं और स्टेज पर बैठे हुए तमाम लोगों से मैं मजमूई तौर पर गुजारिश करता हूं कि तमाम लोग यहां पर तशरीफ ले आए ताकि आप लोगों की मौजूदगी में और आप लोगों की शहादत में रस्म इजरा अमल में आ सके। जकी पटेल साहब से गुजारिश करता हूं कि बराए करम आप मंच पर तशरीफ ले आए। हमारे इस प्रोग्राम में खुर्शीद भाई, आबिद भाई, लियाकत भाई, हाजी इस्लामुद्दीन, साजिद पटेल साहब, जाकिर भाई, यूनुस अंसारी साहब जो कि मीरा रोड से तशरीफ लाए, पिंडाले मोहब्बत में आपकी पुकार की जानिब से सुंदर स्वागतम अभिनंदन है आप लोगों को। हो गया भाई, बोलो।